अभी इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव विजुअल्स में कि किस तरह से पाडरी में जिस जो फेमस डिश है जिसको मंडे कहते हैं वो तैयार हो रहे हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि बैसाखी उत्सव जो है वो पाडर में मनाया जा रहा है, जो कि 13 और 14 को शेड्यूल हुआ है, और उसी में देसी फूड कोर्ट्स जो लगने थे उसी में आप देख सकते किस तरह से देसी मंडों को जो है तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर जो उम्मीद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो टीम है उनके द्वारा ये जो है देसी फूड कोर्ट लगाया गया है, और यहाँ ये जो तवा जिस जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो है पत्थर का बना हुआ है, और इस पर जो है देसी मंडा जो है तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है इसको तैयार किया जाता है, और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पतला होता है इसको। साथ ही साथ इसमें यहाँ पर जो आप छोटा सा ये बर्तन देख रहे हैं ये मिट्टी का बना हुआ है, और इसमें जो है देसी घी रखा गया है। और पाडर का कोई भी त्यौहार हो, किसी की शादी हो, फेमस कोई उत्सव हो, तो उसमें ये डिश जो बड़ी फेमस होती है, यानी देसी घी और मंडे जो है वो तैयार किए जाते हैं और मेहमान नवाजगी में लोगों से खिलवाए जाते हैं। तो ये इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। माता जी क्या कहना चाहेंगे, आज जो आपने यहाँ पे जो देसी मंडों का जो इंतजाम रखा हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में क्या बोलते हैं, ये हम उम्मीद ग्रुप के हैं जी, तो ये मंडे है, देसी घी है, देसी चावल है जी, और मक्की का आटा और कोदरे देखे आटा की बोलते सब हमारे जो पाड़े खाना है, और इसमें सारे लोग देखेंगे, डीसी साहब आए थे यहाँ पर, डीएमओ साहब आए थे, उनको सब ने देखा, यहाँ पर फोटो खींचे, मतलब देसी जो है मंडे उनने सब देखे, उनने सब देखे उधर, फोटो शोटो लिए। अच्छा, तो आप जो है ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुपों में जो है उसमें काम करते हो, उसके ग्रुप के तहत आपने रखा हुआ है? ये हमने रखा है सब हमारे ग्रुप, तो देसी चावल भी रखा है, देसी चावल भी रखा है उसके साथ। देसी चावल के साथ क्या रखा हुआ है? देसी चावल के साथ दाल, देसी राजमा, राजमा की दाल, खट्टी दही डाल कर, दही डाल कर, देसी दही डाल कर जी, यानी जो भी आपने यहाँ पर जो देसी फूड को सब देसी फूड रखा है जी, और खुद जो है एसएसजी की महिलाएं खुद महिलाएं जो हमारे 10-12 महिलाएं ये सब हमारे ग्रुप के है जी, उम्मीद के जी। धन्यवाद जी। इसको पहले हम ऐसे रखते हैं पतीले में, फिर इसमें पानी डालते हैं जी, फिर हाथ से इसको ऐसे गून कर फिर आटा ये मंडे के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा। फिर बाद में ये पत्थर का बना होता है जिस पर मंडे बना रहे हैं जी, जी। फिर इस पर मंडे बनाते हैं, इस पर मंडे बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से जो है मैंने आप सभी को लाइव विजुअल्स में जो है दिखाने की कोशिश करी कि किस तरह से जो है देसी मंडों को जो है तैयार किया जाता है, और साथ ही साथ आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो है सब्ज़ी जो है काट रहे हैं, और इसके अलावा जो है इस साइड भी हम आपको जाके दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है रोटी जो है तैयार हो रही है। ये देख सकते हैं आप अभी जो है यहाँ पर, ये कौन सी रोटी पका रहे हो आप? कोदरे की रोटी। कोदरे की रोटी है हाँ जी। तो ये देख सकते हैं कोदरे की रोटी, और मक्के की रोटी भी रखी है। हाँ, मक्के की रोटी भी, और इसके साथ साथ मक्के की और कोदरे, और साथ में सब्जी जो है कौन सी रखी है? कड़म, कड़म की सब्जी हाँ। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है ये जो कोदरे की रोटी जो है किस तरह से तैयार की जाती है ये देख सकते हैं। तो पूरा का पूरा यहाँ पर जितनी भी वैरायटी आपको उम्मीद एसएचजी ग्रुप द्वारा जो यहाँ पर देसी फूड कोर्ट जो लगाया गया है यहाँ पर आपको सारी की सारी वैरायटी जो है वो देसी मिलेगी। लोकल जो है कोदरा, मक्की की रोटी, उसके अलावा मंडे, देसी कड़म, दाल, खट्टी दाल, घी, इसके अलावा जितनी भी यहाँ पर आपको वैरायटीज़ और भी जो मिलने वाली है वो देसी की मिलेगी। और आप यहाँ पर आकर जो है एसएचजी द्वारा जो ये तैयार किया गया है यहाँ पर आकर जो है आनंद ले सकते हैं। फिलहाल इसी खास रिपोर्ट के साथ आप सभी से विदा लेना चाहेंगे, बने रहे जम्मू लद्दाख विजन के साथ।